हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्वागतम सभी लोगों का आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई में। बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रदीप चंद्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत इकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जिसमें कि सिविल इंजीनियरिंग की तमाम बहुत सारे सब्जेक्ट की क्लास पैरेलल में चल रही है। पूरी और ऑब्जेक्टिव और प्रीवियस ईयर पेपर क्लासेस हो रही हैं। जो लोग जुड़ चुके हैं चैनल के साथ वो लोग इस बात को जानते हैं, और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो आप जुड़ें चैनल के साथ और सीखें चीज़ों को। और मेनली अभी हमारा जो फोकस है चैनल पर वो है एसएससी जेई को हमने टारगेट किया है, जिसमें कि तमाम बहुत सारी क्लासेज हो रही हैं, जिसमें कि अलग अलग तरीके से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ क्लासेस की। अभी आपके कल परसों में धीरे धीरे आप और भी चीज़ें दिखेंगी, और भी क्लासेस दिखेंगे अलग अलग मोड पर, अलग अलग समय अंतराल पर। तो चलिएगा, खैर ये सारी बातें थी हमारे चैनल पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो सब बातें थी। आज जो आप देख पा रहे हैं इस थंबनेल के बेस पर या सारी क्लास इन्फॉर्मेशन के बेस पर जो आप देख रहे हैं अभी, मोटा मोटा ये जानकारी आपको हो रही है बाहर से कि कुछ बताना चाह रहे हैं एसएससी जेई की तैयारी करें, यूकेपीएससी जेई का इंटरव्यू की तैयारी करें या एई का इंटरव्यू करें। इसका क्लियरिफाई मैं आज करने वाला हूँ कितने भी लोगों के दिमाग में आ रहा है, क्योंकि ये बात, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैं देखता हूँ टेलीग्राम ग्रुप, देखता हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप, मैं देखता हूँ अपने टेलीग्राम में बहुत सारे जितने भी लोगों ने यूकेपीएससी जेई का अभी तक तैयारी किया है, मतलब कि रिटर्न एग्जाम, मतलब कि रिटर्न में बहुत अच्छा स्कोर किया, लगभग 500, 600, 700 या 450 के ऊपर इतना कुछ स्कोर किया, तो वो बहुत बड़ी दुविधा में है। और मैं ये 100% उम्मीद करता हूँ जितनी भी दिमाग में दुविधा है, टेंशन है, मैं आपको इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको उस टेंशन को कहीं ना कहीं रिलीज करने की पूरी कोशिश करूँगा। बस सुनते रहेगा, बस पूरी वीडियो को सुनिए और फिर जाने कि मैं क्यों कह रहा हूँ, किस बेस पर कह रहा हूँ ये बात कि टेंशन रिलीज होगा, समझो। यस स्टूडेंट, एक्चुअली में हमारे दिमाग में ये है, और एक्चुअली मैं जो देख पा रहा हूँ बहुत सारे जो स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि सर मैं क्या करूँ, यूकेपीएससी इंटरव्यू की तैयारी करूँ, सर एसएससी जेई की तैयारी करूँ, डीडीए जेई की तैयारी करूँ, यूजे बीएनएल की तैयारी करूँ, करूँ तो करूँ क्या, क्वेश्चन यही है ना, क्या करूँ, क्वेश्चन मार्क तो यही बना है ना, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, एक दो क्वेश्चन मार्क और भी होंगे, जैसे जैसे एग्जाम दिख रहे होंगे वैसे वैसे क्वेश्चन मार्क लगते जा रहे होंगे। सर डीडीए जेई का करें, JBNL का करें, यूके ट्रिपल एससी का करें, करें क्या, समझ गए आज की क्लास की थीम क्या है, हम करें क्या। अरे करें क्या किसके लिए बात कर रहा हूँ, ये स्पेशली मैं अभी तक उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ जो लोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो रिटर्न एग्जामिनेशन दिया गया था, कराया गया था एई के पदों के लिए और जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ बात को, सुनेगा ध्यान से, मैं बात कर रहा हूँ जो अभी इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए सोच रहे थे, जिनके मार्क्स मैंने वो लिस्ट बनाई है, वो कट ऑफ लिस्ट जो है अपने अनुभव के बेस पर या प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बेस पर एक बहुत अच्छे से वीडियो बनाई है, बहुत कुछ सोच समझ कर, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, चैनल में है हमारे। और चैनल कैसे पता लगेगा सर, चैनल का कैसे पता लगेगा, ये है चैनल सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई, सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई, इस पर आपको सबसे पहले ज्वाइन करना है। सबसे पहला काम मैं हर एक वीडियो में यही समझाता हूँ आपको कि भाई सही में अगर आपको तैयारी से जुड़ना है, अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है, सफल होना है, तो सबसे पहला काम यही है। ऐसा क्या सर, बिल्कुल, तो सिविल इंजीनियरिंग जे एंड ए को आपको ज्वाइन करना है, सबसे पहला काम ज्वाइन करने का मतलब सब्सक्राइब करना है। अगर कोई भी क्लास का प्रोग्राम आप तक नहीं पहुँच पाता हमारे द्वारा, इंटरव्यू के क्लास प्रोग्राम हो या एसएससी जेई के क्लास प्रोग्राम हो, जेई के लिए कुछ हम कर रहे हैं, हर एक क्लास प्रोग्राम जो है कैसे इन्फॉर्म होगी आपको, वो होती है टेलीग्राम ग्रुप से। ये है जी टेलीग्राम ग्रुप, ये रहो सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है जी सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई। इस पर ज्वाइन करेंगे, पर ज्वाइन करते ही पहले तो आप ग्रुप में पब्लिकली कुछ अपनी बात को भेज सकते हैं,
मैं अपनी बात को शेयर कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है, अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि सर मैं नहीं आपसे पर्सनली बात करना चाहता हूँ, तो मेरे साथ भी आप बात कर सकते हैं। सर मुझे आपसे बात करनी है कुछ पर्सनली। हाँ भाई, आपकी हर एक समस्या का समाधान मैं करूँगा। बोलेंगे सर मेरी शादी नहीं हो रही, करेंगे क्या समाधान? ठीक है बताओ। चलो खैर, जोक सपाट, हम बात करते हैं मुद्दे पर। जो हमारी क्लास का पहला थीम जो है वो है सर कि जो हमें टेंशन हो रहा है उस टेंशन की थोड़ा निजात दिलाओ। सर जो टेंशन है सर उस टेंशन से निजात दिलाइए, क्या करूं मैं? और ये मेरा जवाब, ये मेरा क्वेश्चन नहीं, ये कई हजारों बालकों का जो अभी रिटर्न एग्जाम दिए। देखिएगा स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ कि टेंशन शुरू कहाँ से हुआ है। टेंशन की जड़ यहाँ से, आपने दिया रिटर्न एग्जाम, आपने दिया रिटर्न एग्जाम, ऑब्वियसली रिटर्न एग्जाम आपने दिया, कौन सा सर? आपने दिया जेई का, UKPSC लोक सेवा आयोग का जेई का एग्जाम दिया, ठीक है, बहुत अच्छे से दिया। आपने AE का एग्जाम दिया, बहुत अच्छे से दिया, ठीक है। और मैंने इस पर कट ऑफ जारी जरूर किया है और उसको आप देख लेना, ठीक है ना। उसको देखने के बाद आपको लगता है कि सर इंटरव्यू की तैयारी तो करनी बनती है। अब जिनका नंबर बहुत अच्छे नंबर पे है, जिनका 650 के ऊपर है, 600-700 इस तरह नंबर है, उसको तो 100% क्लियर पढ़ाई क्लियरिफाई हो चुका है, उनको 100% जो है 100% क्लियर हो चुका है कि भाई हमको इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी चाहिए, उसकी कोई दोराय नहीं। यहाँ पर जो है तीन तरह के स्टूडेंट जो है आएंगे, देखिएगा सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर तीन तरह के स्टूडेंट है, नंबर वन और नंबर टू और नंबर तीन, तीन तरह के स्टूडेंट हैं। आप खुद को कमेंट में बताएगा कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। पहला स्टूडेंट वो है, चलो उसकी हम बात भी नहीं करेंगे, पहले स्टूडेंट की तो बात ही मत करो। पहला स्टूडेंट वो है जिसने रिटर्न एग्जाम दिया है, ठीक है, रिटर्न एग्जाम दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, और उसने पढ़ाई लिखाई जो भी है, हो सकता है कि किसी कारणवश क्या पता बीमार रहा हो या कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर, हो सकता है उसने पढ़ाई कम की हो, जो भी है, हमें कोई मतलब नहीं उससे भी। तो उसके नंबर कम आ गए, उसके इतने कम है कि उसको उम्मीद ही नहीं है कि इंटरव्यू की तैयारी करूं। उसके लिए एक चीज तो यह है, इसको कोई उम्मीद नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं कोई, छोटा छोटा लिखता हूं, कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है, आपकी भाषा में लिखूंगा कि आपको मजा आए, कोई उम्मीद नहीं है सर कहेगी कोई उम्मीद नहीं है, इंटरव्यू छोड़ो सर। एक तो स्टूडेंट ये है, समझो, एक तो ये हो गया बालक, ठीक है, ये सबसे बढ़िया बालक है यहाँ पर, अभी बताऊंगा क्यों सबसे बढ़िया है इसका डाउट सबसे खत्म डाउट है, डाउट यहाँ से शुरू हो रहे हैं। दूसरा और तीसरा स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट है जिसका उम्मीद भी है और नहीं भी है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन में है। दूसरा स्टूडेंट है, उम्मीद भी है और नहीं भी है, ये तुम्हारा कहीं ना कहीं, अगर मैं कैटेगरी वाइज कहूँ तो अलग अलग कैटेगरी से बेस पर देखेगा, ये तुम्हारा कहीं ना कहीं 400 के नीचे अटका हुआ है, ये जो है 400 के नंबर के नीचे अटका हुआ है, या 450 के नीचे अटका हुआ है, या अगर मैं जनरल की बात करूं तो 500 पर अटका है, 500 के नीचे अटका है। तो ये दुविधा में है, ये दुविधा में, ये क्या है, दुविधा में, ये कंफ्यूजन में, ये कंफ्यूजन वाला स्टूडेंट है। दूसरा स्टूडेंट है कंफ्यूजन वाला, ये सबसे घातक हो रहा है यहाँ पर, सबसे बड़ा जो BP हाई है इस वाले का है, सेकेंड वाले का, और सबसे बड़ा टेंशन इसी का है, और इसी का टेंशन मैं आज रिलीज करने आया हूँ, देखो क्या है। और सच बचा रहा हूँ, अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो 100% आपको सच में एक मोटिवेशन मिलेगा और एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि सर ने बात तो सही कही है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला जो था, कोई उम्मीद नहीं है, हटा दो, मैं बिल्कुल नहीं, इसके लिए भी कुछ उपाय बताऊंगा अभी आपको, ये सबसे बेस्ट है कोई उम्मीद नहीं वाला है ना, ये सबसे बेस्ट है, क्यों है अभी देखना। ये जो कन्फ्यूजन में, ये भी बेस्ट है, लेकिन अभी उस पर भी आएंगे। तीसरा सबसे सुपर फास्ट है, ये जो है परफेक्ट, जो है परफेक्ट तैयारी करेगा, ये क्या करेगा, पूरी उम्मीद है ये पूरी उम्मीद वाला है, इसके पूरी उम्मीद है सिलेक्शन वाले, सिलेक्शन लेने। कंफ्यूजन में दो तरह के, कंफ्यूजन के अंदर भी दो तरह के आ गए, एक को है कि यार इंटरव्यू की तैयारी तो मैं कर लूंगा, कंफ्यूजन में भी दो स्टूडेंट है, ध्यान से सुनिएगा, इस वाले स्टूडेंट में दो स्टूडेंट है, एक कंफ्यूजन के अंदर, एक तो हो गया कि हो सकता है कि हाँ इंटरव्यू में मैं चले जाऊं, लेकिन क्या मैं फाइनल कोई डिपार्टमेंट मिल पाएगा, क्योंकि होता क्या है स्टूडेंट कि जब लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू होता है तो उसमें लगभग 3 टाइम्स स्टूडेंट को बुलाया जाता है,
आप भी जानते हैं कहीं पर 3 का रेशियो चलता है, कहीं पर 4 का रेशियो चलता है, लेकिन यहाँ पर लगभग लगभग जो मेरे सुनने में आया तो 3 का रेशियो चलता है ना, 3 टाइम्स बुलाया जाता है। तो ऑब्वियसली यार 3 टाइम्स बुलाया जा रहा है तो इतने सारा स्टूडेंट तो भारी होना इंटरव्यू से, हमारा पोस्ट जितनी होगा उतना ही चलेगा। तो यहाँ पर इस कन्फ्यूजन के अंदर भी 2 स्टूडेंट है, एक को यह है कि इंटरव्यू में जाऊं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, एक है कि इंटरव्यू में तो जा लूंगा लेकिन फाइनल डिपार्टमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दूसरे वाले कैटेगरी के स्टूडेंट में 2 हैं, एक है कि यार क्या इंटरव्यू तक मैं जा पाऊंगा, मतलब रिटर्न क्वालिफाइड होगा, पहला ही हो गया, और दूसरा है इंटरव्यू में तो मैं श्योर हूं भाई लेकिन डिपार्टमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये दूसरा टाइप का मतलब दूसरा वाला है कन्फ्यूजन के अंदर, दोनों की कहानी बता रहा हूं अभी। और तीसरा वाले में कोई टेंशन ही नहीं है, इसको पूरी उम्मीद है कि तुम्हारा 700 के नंबर 600 के ऊपर नंबर, इसको पूरी उम्मीद है कि हमारा पहला जो सिलेक्शन होगा बढ़िया से डिपार्टमेंट मिल जाएगा, कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट तो श्योर शॉट है, श्योर शॉट है। तो इसकी तो कहानी मत लाओ इसकी तो कहानी मत लाओ, हम कहानी करते हैं शुरुआत केवल, क्योंकि हमें दिलाना है आज आपको थोड़ा सा राहत, और राहत के लिए ये 2 स्टूडेंट हैं डियर स्टूडेंट हमारे कहने में, इसको मैं नहीं लूंगा आज कैटेगरीज में, क्योंकि ये तो ऑलरेडी जो है परफेक्टली इसने बहुत मेहनत करी है, क्योंकि पूरी उम्मीद है का मतलब, पूरी उम्मीद होने का मतलब है इसके रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, अपने आंसर की लगाई है, अपने पूरा एनालिसिस कर दिया है, बहुत अच्छे इसकी उम्मीद है, इससे हम कोई बात नहीं करेंगे। ये सारे इसकी जितनी भी जो है अभी तक रिटर्न में जितने भी नंबर आ रहे हैं उसी के बेस पर इसने कह दिया कि मैं सर इंटरव्यू में सेलेक्ट होऊंगा और परफेक्टली मेरा डिपार्टमेंट मिलना तय है, तो इसकी अभी बात नहीं करते। हाँ, जो भी गाइडलाइंस है इनको तो हम सीधे सीधे एक ही लाइन बोलेंगे, उसके बाद इसको स्टॉप कर देंगे। जो ये परफेक्ट उम्मीद वाले हैं, पूरी उम्मीद वाले, इनको एक ही लाइन में बोलूंगा, आप जो है जितना भी मैं इंटरव्यू के लिए फॉलो इंटरव्यू के लिए वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ, जैसे मैं टेस्टिंग ऑफ सीमेंट पढ़ा रहा हूँ अभी, बट टेस्टिंग ऑफ ब्रिक पढ़ाऊंगा, सिविल इंजीनियरिंग में जितने भी टेस्टिंग है उसको शुरुआत पहले मैं कर रहा हूँ, उसके बाद जो है आपको IAS कोड में पढ़ाऊंगा, और उसके बाद जो है आपको कुछ इंपॉर्टेंट 100% की सीरीज चलाऊंगा। तो जितना भी समय हमको आयोग दे रहा है उस पर मैं ये सारी तैयारी आपको कराऊंगा, तो आप उसको फॉलो करें, आपका काम खत्म। तीसरा कैटेगरी का जो स्टूडेंट है इसका काम खत्म, आपको बस वीडियो लेक्चर फॉलो करते जाना है, चैनल से जुड़ते जाना है, और चैनल कहाँ से मिला सर, चैनल ये है, ठीक है, चैनल ये है, इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, तुरंत ज्वाइन करें, यही तुम्हें जो है निजात दिलाएगा इंटरव्यू के लिए, खत्म। तो तीसरे स्टूडेंट का जो टेंशन था वो रिलीज कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बहुत तो टेंशन फिर भी होता है ना, उम्मीद तो रहती है लेकिन टेंशन फिर भी होता है ना कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें क्या करें, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप चैनल पर जाएं, मैंने एक एक तरीका आपको बताया है कि आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब बताया मैंने अपने अनुभव के बेस पर। चलिए अब शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट में पहले वाले स्टूडेंट पर, मैं मूव ऑन कर रहा हूँ फर्स्ट स्टूडेंट पर, मूव ऑन कर रहा हूँ इस स्टूडेंट पर, कोई उम्मीद नहीं है कोई उम्मीद इस पर आ रहा हूँ, ये उम्मीद नहीं है, ठीक है, अब इसको उम्मीद दिलाता हूँ मैं, देखो कैसे अभी तक ठीक है जो भी आपने किया, हो सकता है कि कोई उम्मीद नहीं होने के कारण, मैंने लिखा है कोई उम्मीद नहीं है, इसके 2 कारण हो सकते हैं, सीरियसली ये मजाक वाली बात नहीं है, इसमें 2 कारण हो सकते हैं, सीरियसली सीरियस मोड पर सुनिएगा। एक कारण ये हो सकता है कि आपने पढ़ाई नहीं करी, एक कारण ये हो सकता है कि आपने पढ़ाई नहीं करी तो अदर कॉज हो सकते हैं, हो सकता है कि आपने घूमने फिरने में सारा समय बर्बाद कर लिया, हो सकता है कि आप प्राइवेट जॉब में हैं आपको समय नहीं लगा, हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो गई, ये डिफरेंट कॉज है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, बस मैं इतना जानता हूं कि आपने पढ़ाई नहीं कर पाए, उसके डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं, वो आप खुद जानते हैं, जिन लोगों ने पेपर दिया होगा वो क्यों नहीं कर पाए पढ़ाई वो अलग बात है ना, हो सकता है क्या पता बीमार हो गए, किस्मत खराब रही, इसी को बोलते हैं किस्मत खराब हो सकता है कि आप अच्छा पढ़ रहे थे शुरू में, जैसे ही फॉर्म डाला था और तुरंत 2-3 महीनों में जो है तबीयत खराब हो गई, आप जो है अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में 10-10, 12-12 दिन जो है लेटे रहे, पेपर ही नहीं दे पाए, क्या पता ऐसा भी हो सकता है, इसमें आपके वो भी आ गए जो पेपर ना दे पाए, या पेपर भी दे तो ऐसी हालत में गए, अगर पेपर भी देने गए तो ऐसी हालत में गए कि बिल्कुल अचेत अवस्था में। तो ये उम्मीद नहीं वाले स्टूडेंट के लिए मैं अब एक सलाह दूंगा, वो सलाह ये है, उम्मीद मत खोना, उम्मीद नहीं है ठीक है लेकिन उम्मीद मत खोना, एक ही सलाह दूंगा डियर स्टूडेंट, अगर मेरी बात सच में अगर माने, उम्मीद मत खोना,
सर क्या खोना, उम्मीद मत खोना। क्यों सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डियर स्टूडेंट अभी आपके पास मौका है, उम्मीद मत खोना डियर स्टूडेंट। मैं पहले वाले कैटेगरी के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, उम्मीद मत खोना, बिल्कुल भी उम्मीद मत खोना। क्योंकि डियर स्टूडेंट अब मेहनत करोगे तो ये सच है कि आप 100% सफल होंगे, और मेहनत नहीं करोगे तो ये 100% ये भी सच है कि आप सब असफल ही रहोगे हमेशा। इसलिए मेहनत अगर आपने आज ही ठान लिया तो अगले 6 महीने, अगले 3 महीने, अगले 10 महीने, अब अगले 1 साल, लेकिन आप सफल रहोगे अगर आपने आज ही ठान लिया कि मैंने करना है, अगर आपने ठान लिया तो। ठीक है, यहां मैं मानता हूं कि आपकी कोई उम्मीद नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है, वट एवर जो भी कॉज था वो आपने समझ लिया, आपको पता है। लेकिन यहां पर मैं आपसे ये कहूंगा, यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि उम्मीद मत खोना, बिल्कुल भी उम्मीद मत खोना। अब उम्मीद नहीं खोना है सर, इसके लिए कुछ उपाय बताइए सर, उम्मीद क्यों ना खोऊं मैं? मेरा एक एग्जाम इतने सालों में आया था, वो भी गया, मैं बीमार था, तो कुछ घर में कुछ ट्रेजेडी हो गई, कुछ भी चीजें हैं, इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाया और ये मौका छूट गया। तो डियर स्टूडेंट एक्चुअली में मौके भगवान देते रहेगा आपको, बस अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर मेहनत कर रहे हैं तो भगवान मौका देता है आपको, लेकिन मेहनत नहीं कर रहे तो भगवान भी छोड़ देता, जा यार तू जा। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं सच में तो ईश्वर आपको मौका भी देगा, और एक दिन सफल का वो जरूर आएगा, जिस दिन आप सफल होंगे वो एक दिन जरूर आएगा, ये सच है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा फर्स्ट वाले स्टूडेंट के कैटेगरीज में, फर्स्ट कैटेगरी के एक स्टूडेंट में, ये स्टूडेंट अब आपको दिन रात टारगेट करना है एक ही एग्जाम, और फुल एंड फाइनल एसएससी जेई को टारगेट करो, फुल एंड फाइनल अभी जो एसएससी जेई को टारगेट कर लो। सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, और आप सब लोग जानते हैं, मुझे मतलब नहीं है आप डिप्लोमा होल्डर हैं, मुझे मतलब नहीं है आप डिग्री होल्डर हैं, मेरा मतलब इतना है कि अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो एसएससी जेई को टारगेट करो। इसमें डिप्लोमा एज वेल एज डिग्री दोनों ही स्टूडेंट जो है पढ़ सकता है, पढ़ाई कर सकता है। अगर आपने 2-4 दिन, अगर अभी इस महीने भी, अगर अभी मैंने 1 महीने से क्लास लेना शुरू किया था अपने चैनल में, अगर आपने एक एक क्लास मेरी देखी होगी, सीरियस कह रहा हूँ, बात को सीरियस मोड पे लीजिएगा, अगर आपने एक एक क्लास मेरी फॉलो की होती एक एक सेकंड, तो आपका इतना सारा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता, खुद अंदर से आपको लगता कि मैं कर सकता हूँ। एसएससी जे के हिसाब से मैंने पैटर्न शुरू किया है, सोम को इतने डीप पर पढ़ाया जा रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को, और मैं बार बार कहता हूं शुरुआत जब अपनी तैयारी की करें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से करें, क्योंकि आपको मैं बार बार कहता हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, वो सब जगह लिंक है, हर एक सब्जेक्ट सब्जेक्ट से लिंक है, मैंने वही काम कराया है। हाईवे इंजीनियरिंग इतना डेप्थ पर पूछा जाता है एसएससी में, मैंने एक एक चीज बिना कुछ स्किप करे हुए बिल्कुल पिक्चोरियल व्यू में आपको समझाने की कोशिश करी, कि जिसको भी अनपढ़ से अनपढ़ होगा उसको भी समझ आएगा। फॉलो करो ना क्लास, एक बार करके तो देखो। अभी आपको लग रहा होगा सर पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या कैसे बोल रहे हैं, बस अपने चैनल को बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, सब्सक्राइब कराने के लिए बोल, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको सीरियसली मेरी बात पर यकीन करना है, उसके लिए आपको लेक्चर को देखना होगा कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ एक एक वीडियो बनाने के लिए, एक लेक्चर बनाने के लिए कितनी मेहनत लग रही है। ऐसा नहीं कि उठाया दिया बस नोट्स पकड़ दिया और बस लिख दिया, ये लो ऐसा लिख दिया, ऐसा नहीं चल रहा है। एक एक नोट्स जो हमारा है वो एक एक नोट्स में छाप नहीं रहा हूं, पहले दिमाग में उसको बिठा रहा हूं कि है क्या चीज है, उसके बाद मैं देख रहा हूं कि गूगल पे कुछ चीजें इसमें जुड़ी भी हैं जिसे मैं फिगर के माध्यम से बच्चों को समझा पाऊं। मुझे तो पता है, मैं समझता हूं, मान लेता है कि मैं हाईवे पढ़ा रहा हूं आपको, मैं आपको बता रहा हूं कि टू लेन रोड है, मुझे पता है टू लेन रोड क्या होती है, मैंने देखी भी है, लेकिन जो नया लर्नर होंगे, जो नए सीखने वाले होंगे, नए स्टूडेंट होंगे, उनको क्या पता है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको गूगल के मैप, गूगल के इमेज से इधर उधर से निकाल के कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, परफेक्ट तरीके से आपको पीपीटी बना रहा हूँ और उसको दिखा रहा हूँ कि हाँ ये देखो, ये है टू लेन रोड, ये है सुपर एलिवेशन, ये है जी एक्स्ट्रा वाइडनिंग रोड में ऐसी दी जाती है। पढ़ो ना जी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहले कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए मैं यही कहूंगा, आप किसी भी नाते एज अ टीचर, एज अ भाई, किसी भी नाते, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि एक अध्यापक के नाते, आप किसी भी नाते एक बात बस मेरी ध्यान रखना, उम्मीद मत खोना, और उसके लिए एकमात्र उपाय यही है एसएससी टारगेट कर दो। क्योंकि डियर स्टूडेंट एक्चुअली में होता है कि अभी तक दिमाग भटका हुआ है, इस स्टूडेंट का तो कुछ ज्यादा ही भटका हुआ है, वो बहुत ज्यादा अंदर से डिमोटिवेट भी है, मैं करूं क्या, अब करूं क्या। तो इसके लिए एक ही चीज है, उम्मीद मत खोना और अपना एक फोकस कर दो,
अपने एक फोकस कर दो आज से, मेरे को मेरे के सर सर के कहने पर मैं आज एक फोकस कर रहा हूं, आज प्रण ले लो कि सर ने कहा है कि उम्मीद मत खोना और सर ने कहा है कि एसएससी ग्रेड को टारगेट, यार कल हो ना हो वो बात की बात है, एक बार अपना 100% तो दो। यही तो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान जी भी अर्जुन को, अर्जुन जी डर जाते हैं, ये तो मेरे भाई हैं भाई कैसे कर रहे हो जी, ये तो मेरे खुद भैया हैं, इनको कैसे मैं तीर मार दूंगा। वहीं पर समझाते हैं श्री कृष्ण जी कि आपका जो कर्म है उसको करते जाओ, और ये तुम्हारा कर्म कहता है अभी कि आपको ये करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है फल क्या है। यही चीज मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूंगा और मैं आपको कहना चाहूंगा अंततः फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, आप उम्मीद मत खोना और आप टारगेट कर दो आज ही से अभी से एसएससी जेई, जब आप वीडियो सुन रहे हैं एसएससी जेई को, और एसएससी जेई के लिए मैं आपके हर एक पल पर साथ हूँ, एसएससी जेई में मैं हर एक पल पर साथ हूँ, एक एक स्ट्रेटेजी आपको पता है, चैनल को देखो ना, प्लेलिस्ट पर जाओ, एसएससी जेई का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाया है, एसएससी जेई की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाया है, कैसे डील करें हम, कैसे नॉन टेक, नॉन टेक के लिए भी बनाऊंगा, सिलेजनी के लिए कैसे पढ़ना है, क्या टेंशन लेते हो यार। जब मैं आपके हर एक पल पे साथ हूँ, 10-10 बजे तक 11-11 बजे तक क्लास ले रहा हूँ, सुबह भी 7 बजे उठ जा रहा हूँ, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो, जब मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी उठना पड़ेगा। तो एक बार अपना फोकस कर दो कि हाँ हमने टारगेट करना, ठीक है सर हमको कोई उम्मीद नहीं थी यहाँ पे लेकिन आपने कहा आज, तो हम एक बार 100% अपना 100% एफिशिएंसी लगा के, अपना 100% एफिशिएंसी लगा के इस बार तो हम एसएससी जेई को टारगेट कर ही देते हैं, बात की हम चिंता नहीं करते, वो हो ना हो आपने कहा तो हम आपके हिसाब से चलेंगे एक बार। चलिए तो पहला जो स्टूडेंट है, फर्स्ट स्टूडेंट जो है, पहला जो स्टूडेंट है इसका भी खत्म हो गया काम, पहला स्टूडेंट का भी हो गया खत्म काम, खत्म। मुझे बताओ कमेंट में जरूर बताएगा कौन कौन सी बातें आपके दिल में लग रही हैं, कौन कौन सी बातें दिल में लग रही हैं, कोई उम्मीद नहीं है खत्म हो गया, इसके बाद उम्मीद आने लग गई, आ गए लो उम्मीद आ गई, फोकस कर दिया एसएससी जेई, ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम जेई बन जाओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंफ्यूजन वाले स्टूडेंट की, अब यहां पर बात करते हैं डियर स्टूडेंट, अब हमारा जो टारगेट है इसको फोकस करने का है, ये कंफ्यूजन जो बना हुआ है, अब जो टारगेट करना हमें इस पर करना है, क्योंकि जहां तक मैं लगता है मुझे 100% स्टूडेंट में से लगभग लगभग जो है 50% जनता जो है इस कैटेगरी में आएगी, मुझे ये जो लगता है, क्योंकि रिटर्न एग्जाम जितने दिया होगा लगभग 50% जनता तो भाई कंफ्यूजन में नहीं रहता है, क्योंकि 300-400 नंबर तो वैसे भी आ जाता है अगर आपने थोड़ा बहुत सिविलाइजिंग देखा है, तो कन्फ्यूजन वाले ज्यादा स्टूडेंट है, कन्फ्यूजन वाले स्टूडेंट ज्यादा है भाई, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कोई उम्मीद वाले फिर भी कम होंगे, पूरी उम्मीद वाले भी फिर भी कम होंगे, क्योंकि जिन्होंने ढंग से पढ़ा होगा, लेकिन ये वाला स्टूडेंट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वो 400 पर अटका होगा, कोई कोई 500 पर अटका होगा, कोई आपका 5.5 पर अटका होगा, क्योंकि 4.25 पर अटका है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, अभी मैं आपको दिखाऊं अपने मोबाइल के लगभग लगभग आपको मैं 100-150 मैसेज दिखा दूंगा, दिखाऊं टेलीग्राम में और ऐसे ही आपका व्हाट्सएप ग्रुप में भी दिखा दूं, सर मेरे 400 नंबर है, मेरे सर 350 नंबर है, सर मेरे 450 नंबर है, क्या करूं सर, इसीलिए ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा सर आपके लिए, यही मुझे वीडियो बनाना पड़े कि ये कंफ्यूजन वाला जो स्टूडेंट है इसी की हम बात करेंगे, अब सुनो अब ध्यान से, कैटेगरी नंबर 2 स्टूडेंट, दिस इज द कंफ्यूजन स्टूडेंट, दिस इज कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है जीवन में, कंफ्यूजन स्टूडेंट, अब देखो जरा ध्यान से, कंफ्यूजन इसलिए मैंने नाम दिया है क्योंकि डियर स्टूडेंट ये मैं कैटेगरी वाइज नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई एससी कैटेगरी में आ रहा है, कोई एसटी में आ रहा है, कोई ओबीसी में आ रहा है, कोई ईडब्ल्यूएस में आ रहा है, कोई जनरल में आ रहा है, तो उनके नंबरों के हिसाब से वो खुद कोरिलेट कर लेना कि आप कन्फ्यूजन में जरूर होंगे, जिनके हिसाब से अपने मैंने जो कट ऑफ दिया था वहां पर एक अनुभव के बेस पर, उस कट ऑफ के हिसाब से आप कन्फ्यूज में जरूर होंगे कि सर क्या हमारा फाइनल सेलेक्शन हो पाएगा, क्या हम इंटरव्यू दे पाएंगे, ये सब बातें होंगी जरूर। तो मेरा एकमात्र कहना यही है, एकमात्र कहना यही है कि डियर स्टूडेंट, एकमात्र कहना यही है मेरा, आप दो काम करिएगा, बस दो काम करिएगा, क्या सर, पहला काम डियर स्टूडेंट आप करिएगा क्या, आप कुछ मत सोचो, बस मेरे तरह से सोचो, मेरे तरीके से सोचो, पहला काम ये है तुम्हारा फर्स्ट काम, और दूसरा काम, दूसरा काम, पहला काम तो ये हो गया, दूसरा काम इंटरव्यू वीडियो, वीडियो लेक्चर, बस
नहीं समझे, एक काम तो यह है कि एसएससी जेई के हिसाब से जो मैं पैटर्न पढ़ा रहा हूँ आपको, एसएससी जेई को फोकस कर दो। इससे होगा क्या, यस स्टूडेंट ध्यान से समझो मेरी बात को। अब आपके दिमाग में आ रहा, सर एसएससी जेई को क्यों फोकस करूं मैं, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी को क्यों ना करूं, क्यों मैं डीडीए जेई को नहीं करूं, क्योंकि यस स्टूडेंट एसएससी जेई जो है कहा जाता है मिनी आईएएस। अगर आपने एसएससी जेई लेवल की तैयारी, आप देख रहे होंगे मेरे लेक्चर को देख रहे होंगे आप, मैं बिल्कुल भी वहां पर जो है कहीं भी कुछ भी चीज को स्किप नहीं कर रहा हूं, और यही जो है एसएससी जेई का एग्जाम पैटर्न भी कह रहा है। क्योंकि मैंने आपके मैंने देखा है कि लगभग 10 से 15 साल के पेपर मैंने एनालिसिस कर दिए हैं, क्योंकि मुझे वो पढ़ाना है आपको, तो मैंने एनालाइज कर दिए हूं। तो मैंने ये एनालिसिस पाया वहां पर, ये रिजल्ट पाया कि कम से कम आपको ईएस लेवल के मॉडरेट से लेवल लोअर लेवल के क्वेश्चन को टच करना पड़ेगा, उस लेवल तक पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप सच में एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं। तो बस चलो मेरे साथ एसएससी जेई को फोकस कर दो, कुछ मत सोचो आप, डीडीए फीडीए सब छोड़ो, एग्जाम भर दो, फॉर्म भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम भी दे दो, लेकिन अल्टीमेट टारगेट जो है डियर स्टूडेंट एसएससी, क्योंकि डियर स्टूडेंट एसएससी जेई को टारगेट रखोगे तो आप सिलेबस इसके हिसाब से पढ़ोगे, और इसका सिलेबस जो 100% है। अब 100% के सिलेबस को पढ़ोगे तो डीडीए जेई हो, यूके ट्रिपल एससी हो, सब कवर अप हो जाएगा। तो टारगेट रखो एसएससी जेई, इसीलिए कहा जाता है टारगेट बड़ा रखोगे तो छोटे मोटी चीजें होती रहेंगी, तो इसलिए ये टारगेट रखना है, अभी रखना है टारगेट, ये रखना है टारगेट। अब दूसरा काम क्या, पहले काम तो इसके हिसाब से मेरे साथ फॉलो करते चलो चैनल पर, एसएससी जेई के जिस हिसाब से मैं चल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहा हूँ एसएससी जेई के, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल का थ्योरी क्लास चल रहा है, क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, सब्जेक्ट वाइज चल रहा है, हाई इंजीनियरिंग का चल रहा है थ्योरी क्लास, एक क्लास और चलेगा अभी सॉइल मैकेनिक्स का, एक और चलेगा अभी आपका क्लास, तो सारी क्लास मेरे साथ चलेंगे, तो आप इसको फॉलो करते जाओ एसएससी जेई का टारगेट बैच, मतलब आरंभ बैच, ठीक। ये हो गई कहानी खत्म। दूसरा काम इंटरव्यू वीडियो लेक्चर, ये हर पर डे में लगभग वैसे तो अल्टरनेटिव, लेकिन पर डे मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर आपका इंटरव्यू के लेक्चर में दे रहा हूँ, जिसमें कि सिविल इंजीनियरिंग में जितना भी टेस्टिंग है, वीडियो स्टूडेंट पैनल का जब तक मैंने देखा है तो सिविल पर मोस्टली जहाँ भी आप इंटरव्यू देते हैं, आप किसी भी महारत्न कंपनी है ना, या आप बात करते हैं किसी भी पीसीयू की, जो है आपकी जो बड़े बड़े कंपनियां होती हैं है ना, ईएसयू जो होते हैं एक्चुअली में, या बात करें आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की, तो मोस्टली जो है पैनल टेस्टिंग पर ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। टेस्टिंग हो गया, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट है हमारे आईएएस कोड 456 या 800, वो पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारा जो है 100 क्वेश्चन सीरीज, तो ये चलेगा। तो इन दोनों को आप फॉलो करते रहो यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मेरा कहना यही है, जो सेकंड कैटेगरी में आ रहे हैं, जो कन्फ्यूजन वाले स्टूडेंट हैं, आप कुछ मत सोचो, आप करो तो एसएससी जेई की तैयारी, टारगेट रखो एसएससी जेई और फॉलो करते रहो इन लेक्चर को, बस खत्म हो जाएगा। क्योंकि डियर स्टूडेंट जो इंटरव्यूअर है वो क्या करेगा, वो आपकी सिविल इंजीनियरिंग को चेक करेगा, और सिविल इंजीनियरिंग बहुत डेप्थ पर चाहिए होता है, ये भी सच है। तो यहां पर मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा रैपिडिटी बढ़ाने की, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, इससे आपका और क्लियरिफाई होता जाएगा। इंटरव्यू के लिए बहुत सारे लेक्चर भी आपको देते रहूंगा, और साथ साथ ये थ्योरी देखते रहो, इवन एमसीक्यू भी देखते रहो, तो वहां पर आपका देखो दोनों चीजें, दोनों तरफ आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। एक तरफ यहां भी खुशी होगी कि हम एसएससी जेई के लिए इतना नया नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, नया नई चीजें सीख रहे हैं, और दूसरी तरफ आपका ये भी इंटरव्यू के लिए भी साथ साथ हो रहा है, कहीं दिमाग में ये भी बन रहा होगा कि कहीं मैं इंटरव्यू के लिए भी जा सकता था, तो ये भी आपका बन रहा होगा। तो यहां पर जितना भी स्टूडेंट इस चीज को देख रहा है कि मैंने यहां पर आपका टेंशन रिलीज कर दिया, सच में कह रहा हूं, जितने भी लोग कंफ्यूजन में थे तो आपको मैंने क्या कहा, पहला स्टेप टारगेट कर दो ऐसे जे, ठीक है कर दिया। यहां पर देखिएगा इंटरव्यू है, इंटरव्यू वीडियो की जितने भी लेक्चर उसको देखते रहो, हर एक लेक्चर को फॉलो करते रहो, खत्म हो गया बात, बस ये दो काम करने खत्म कर दो, मेहनत तो लगेगी डियर। अब आप सोचेंगे कि सर कन्फ्यूजन ऐसा है, हम देखते नहीं आपके लेक्चर, छोड़ो हम एसएससी जेई को देख ही नहीं रहे, एक दो लेक्चर वीडियो देख देंगे, इंटरव्यू के खत्म करो। मान लेते हैं इंटरव्यू में नहीं हुआ, मैं अपने पास एक पॉजिटिव पॉइंट रखना पड़ेगा ना, मान लेते हैं कि पॉजिटिव अगर नहीं हुआ तब क्या होगा, मान लेते हैं केस नहीं हुआ तब क्या करोगे तब उस टाइम पर डियर स्टूडेंट यही जो चीज है, ये जो मैंने रणनीति आपको दिखाई है, इस कैटेगरी में जो आ रहा है, इस कैटेगरी का जो स्टूडेंट है इसमें जो आ रहा है, उस कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए वो जो है एक रामबाण इलाज बनेगा मोटिवेशन का, कि हाँ सर ने उस टाइम पर हमको कहा था, क्योंकि हमें एक पॉजिटिव साइड रखना पड़ेगा। और पॉजिटिव साइड यही होगा उस समय पर कि आपको अंदर से इतना एनर्जेटिक फील होगा कि हाँ हम तैयारी तो कर रहे थे यार,
कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान ने नहीं चाहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम आगे यहाँ पर जो है एस एस जी को तो सर के साथ बहुत अच्छे से कर सकते हैं, यहाँ पर परफॉर्म बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। इन केस भगवान ने चाहा, हमारी शुभकामनाएं सब लोगों के साथ हैं। हम ये चाहते हैं, वैसे तो ये जिस सेकंड कैटेगरी में है उन सभी का 100% का जो है यहाँ पर आपका इंटरव्यू के लिए कॉल भी आ जाए और डिपार्टमेंट भी सिलेक्शन हो जाए, तो ये चाहते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव साइड कहते हैं, एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखना बहुत जरूरी, ये बहुत रखना जरूरी है। और इसको रखोगे तो इसके साथ अगले जितने भी एग्जाम जुड़े हुए हैं, यूजेपीएनएल की आप बात करें या डीडीएजे की बात करें या ड्राफ्टमेंट जुड़ा है, तो बस इसीलिए मैंने शुरुआत करने से पहले, सेक्शन से पहले आपने देखा होगा मैंने एसएससी जेई लिखा है और यूकेपीएससी इंटरव्यू लिखा है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है। यही हमारा आज का टारगेट था, तीन तरह का कैटेगरी का स्टूडेंट था, कोई उम्मीद नहीं, इसको उम्मीद दिला दी, लो उम्मीद मत खोना। दूसरा स्टूडेंट था, नहीं तीसरा स्टूडेंट था, पूरी उम्मीद है, लेकिन इसको कंफ्यूजन है कि सर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैंने बता दिया। और दूसरा स्टूडेंट सबसे बड़ा घातक जो हो रहा है, कंफ्यूजन वाला स्टूडेंट हो रहा है, और कंफ्यूजन वाले के लिए भी मैंने बता दिया, कंफ्यूजन वाले के लिए भी बता दिया कि भाई ये तुम्हें टारगेट करना है, 100% आप जो है सफल हैं और मोटिवेट भी रहें। यहां पर सफल से ज्यादा ज्यादा जरूरी है कि आपको प्रेशराइज नहीं होना है, क्योंकि आज के जीवन में दिमाग वैसे ही प्रेशराइज होने का, इतना सारा खान पीन हमारा जो है, हम लोगों का इतना ऑयली खाते हैं हम, ऐसे दिमाग वैसे ही बीपी हाई हो जाता है, और इतना सारा आप सोच रहे होंगे तो और ज्यादा बीपी हाई, पता लगा झटके पड़ गए, ईश्वर कह रहे किसी को ना पढ़े, कुछ भी हो सकता है, कटुक सत्य है, कटुक सत्य है, इसलिए मैं सेशन का वीडियो का अंत करते हुए यही कहूंगा, डियर स्टूडेंट अपनी तैयारी को मत छोड़ो, आप थर्ड कैटेगरी में है, फर्स्ट कैटेगरी में है, सेकंड कैटेगरी में, उम्मीद नहीं करना है, रिजल्ट यही कहूंगा। और जो मैंने प्लानिंग आपको बताई है सच्ची कह रहा हूं, अगर आपने जो है इसके तरीके से चले तो आप सच्ची में अपने आप को एक एनर्जेटिक पाएंगे। उची एक हफ्ते बाद ज्यादा समय मत लो, एक हफ्ते का समय लो मुझे, एक हफ्ते का समय दो, बस वन वीक ऑनली एक हफ्ते का समय दो, और आप इसके अंदर जितना भी लेक्चर है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से लेकर, आप देखेंगे मैं बाल के आपको दिखाई देता हूं यार, आप भी क्या याद करोगे, दिखाई देता हूं मैं आपको, तो दिखाई देता हूं मैं आपको, ये हमारा चैनल है सुलेंद्रिंग जे एन डे ही, देखो जरा ध्यान से, अब मुझे एक हफ्ते का समय दो, बस एक हफ्ते का, ओनली ऑन वन वीक, से हमारा ये है जी। अब देखो इधर, सबसे पहले आप देखेंगे वीडियो में मेरे, इतने सारे वीडियो देखेगा आप ध्यान से, खुद जो है आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर हम क्या पढ़ें, हाउ टू कैलकुलेट, तो मैंने आपको ठीक है शॉर्ट वीडियो बनाया कि सीमेंट के बैग कैसे निकालते हैं, एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन, टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सर्विंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग का पूरा कंप्लीट पोस्टमार्टम। चलो शुरू करें आप तैयारी इंटरव्यू की, इस पर आधारित आपके कम से कम 5 से 6 वीडियो हो गई हैं, इसको देखिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कंप्लीट पोस्टमार्टम, ये सारी बातें हो रखी हैं। और आपको और ज्यादा सुविधा चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में देखिएगा आप, यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट में शुरू हुए ही, चलो शुरू करें आप तैयारी इंटरव्यू की सीमेंट टेस्टिंग के साथ। यहाँ पर एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन, सोम का 8 क्लास हो चुका है बिल्कुल गारंटी के साथ पोस्टमार्टम, हाईवे इंजीनियरिंग का यहाँ पर आपका सब्जेक्ट वाइज जो है पोस्टमार्टम हो रहा है एक एक क्वेश्चन का, और यहाँ पर इस सारी बातें हैं डियर स्टूडेंट। तो आपका भाई डर क्यों है, फिर डर काहे रहे हैं, देखो शॉर्ट वीडियो में आपको देते रहता हूँ, जैसे जैसे क्लास का इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ, तो आप डर काहे रहे हैं, क्यों डर रहे हैं आप, आपके हर एक पल पर मैं साथ हूँ, अगर आप करना चाहते हो तो, अगर करना चाहते हो तो मैं साथ हूँ आपके हर एक पल पर, काहे डरते हो, डरते क्या हो, नहीं डरना है, डरना नहीं है करना है कुछ, डरना नहीं है करना है कुछ। और यहाँ पर आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये देखो सब्सक्राइब ना हो ठीक है ना, सब्सक्राइब जरूर करें ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए भी आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है ना, सुलेंद्रिंग जेई एंड ए टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मैंने आपको यहाँ पर दिया था, ग्रुप ये लो
यह टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड ही, इस पर आप जो है ज्वाइन करेंगे। तो ये सब तमाम बातें थी डियर स्टूडेंट, जो जो मुझे अभी आपके लिए बनाना उचित लगा, क्योंकि मैं बहुत परेशान था। सीरियसली परेशान इसलिए हुआ क्योंकि सीरियसली बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अंदर से बहुत परेशान थे, 11-11 बजे 10-10 बजे पूछ रहे हैं कि सर क्या होगा कैसे होगा। तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, जरूरी थी। मैं अपने एंड से जितना मैं इन तीन स्टूडेंट के लिए कह सकता था, जो कि बहुत ज़्यादा उचित है, 100% उचित चीज़ है, वो मैंने कहा। अगर आपको पसंद आया है तो उसको अप्रिसिएट ज़रूर करें कि हाँ सर ये सच है। नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं उसमें, कि अपना अपना सोचने का तरीका है, आप अपने तरीके से सोचते होंगे। लेकिन मैंने पूरा दिल से बात कही कि जो मुझे लगा है कि हाँ ये सच में ऐसा हो रहा है स्टूडेंट, और मैंने प्रॉपर एक एक चीज़ को एनालाइज करके ये बात की है। ऐसा नहीं कि ऐसे बस बोल दिया, एक एक चीज़ को सोच के समझ के बोली है। इसलिए मेरा कहना यह है कि मुझे आप बस एक हफ्ते का समय दो, एक हफ्ते के अंदर जितना भी वीडियो लेक्चर है अभी तक चैनल में उतना भी देख लोगे ना, तो आप जो है मजा करोगे, इंजॉय करोगे कि सच में सिलेबस से प्यार होना लगेगा आपको। अभी तो हमने सब्जेक्ट पढ़े भी नहीं है, अभी बस 2-3 सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं थ्योरी में, उसी से आपको इंजॉय करने लगोगे सिलेबस, ये सच है। इंटरव्यू के लेक्चर देखो, मजा आ जाएगा आपको, टेस्टिंग करते हुए मजा आ जाएगा, आपको फील ही नहीं होगा कि हम कहीं लैब में आए नहीं, फील हो जाएगा कि हम लैब में सर के साथ, 100% फील होगा कि हम लैब में कहीं हैं, प्रैक्टिकली कहीं फील्ड में जाके कर रहा है, ये मैंने फील दिलाने की कोशिश करी है। तो बस क्या था, वादा करो सब लोग, वादा करो दिल से कि सर हाँ आपकी बात पर हम मनन करेंगे, और 100% आपने जो बातें कही हैं उस पर हम काम करेंगे। और ये आपको पता है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, ये आपको ही पता है, मुझे पता नहीं है। अगर आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, तो आपको जो है किस कैटेगरी में आ रहे हैं उसके हिसाब से मैंने आपको तैयारी का प्रारूप बता दिया है, ठीक है। बस ये थी बातें, होप सो आपको पसंद आया होगा सेशन, होप सो मैंने उम्मीद तो ये की थी कि इस सेशन से आपका कहीं ना कहीं टेंशन रिलीज हो जाएगा। बहुत लोग जो है डरे हुए थे, बहुत लोग कन्फ्यूजन में थे, तो बस तैयार मैंने कर दिया आपके लिए, आप इसको देखें समझें, और एक हफ्ते के अंदर पहले एक दिन रात करके जो वीडियो दिया उसको देखें परखें। मिलते हैं आपको अपने सेशन के साथ, जो हमारी कंटिन्यूस क्लास होती हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की होती है, हाईवे की होती है, इंटरव्यू की होती हैं ना। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट, थैंक्स टू ऑल, सभी लोगों का सुनने के लिए, क्लास को सुनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और इस पर ज़रूर मनन करें, और साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।